और एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। और ये खबर वाकई में बड़ी काम की, और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसके लिए बजट में हो सकते हैं बड़े बेहतरीन ऐलान। आइए जानते हैं अमरीश से क्या है बड़ी खबर। अमरीश बताइए। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये सेक्टर है, उसको लेकर सरकार बहुत ही ज्यादा, और आने वाले सत्र में हम देख सकते हैं जो बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री, उसमें इस पर विशेष फोकस रहेगा। इस सेक्टर में पीएलआई स्कीम्स कई सारी हैं, आ चुकी हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा कई और पीएलआई स्कीम्स आनी बाकी हैं। तो हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि इसके लिए कुछ और पीएलआई स्कीम की सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। साथ ही साथ इसके लिए जो कच्चा माल है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको भी सरकार कम कर सकती है। अगर हम कच्चे माल की बात करते हैं तो ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इस तरह की चीजें हैं जो सेल बैटरी बनाने और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी है, और सरकार इन पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकती है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 0.25% से 0.75% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इन सब चीजों पर, और सरकार इनको पूरी तरीके से स्क्रैप कर सकती है। हमारी इस बात का समर्थन नीति आयोग की उस रिपोर्ट में भी है, जो कि 24 जनवरी को खुद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने ट्वीट भी करके बताया था कि सरकार इसको सरकार से डिमांड करती है कि सेक्टर को, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सेक्टर में भाव देना चाहिए। साथ ही साथ घरेलू कमर्शियल उपयोग के लिए जो वाहन है उस पर आसान और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए बैंक, ताकि इस सेक्टर को और बढ़ावा दिया जा सके। और जो सरकार का जो लक्ष्य है क्लीन फ्यूल का, या फिर जो 2030 का जो क्लीन फ्यूल का जो लक्ष्य है उसको सरकार प्राप्त कर सके, उसके लिए सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही साथ एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हमको इसमें मिल सकता है वो ये है कि इससे जुड़ी जो इकोसिस्टम को बनाने के लिए और जो डिस्काउंट्स है उस पर सरकार और ज्यादा अनाउंसमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल, तो बड़े ऐलान आ सकते हैं बजट में। जहां तक ईवी का सवाल है, ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए, ईवी सेटअप के लिए, ईवी भारत में बनाने के लिए, और अनिल जी ये बात की जा रही है कि इसके इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उस पर ड्यूटी घटाई जा सकती है, पीएलआई स्कीम को और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, बढ़ावे दिए जा सकते हैं। ये अगर हम ज्वाइन द डॉट्स करें सर, तो बड़े कदम आ रहे हैं सरकार की तरफ से, और एक्सपेक्ट करें, और एक्साइट तो रिसेंटली हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था, और 50% ऑलमोस्ट कैश है कंपनी के पास में, और जो कुछ भी इनका इंश्योरेंस बिजनेस इन्होंने बेचा था, और उसकी वजह से इनको जो HDFC की स्टेक मिली थी वो अल्टीमेटली बेचकर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपेंशन प्लान में लगाने वाले कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो मुझे लगता है एक्साइट तो मतलब 175 रुपये में, आप ये सोचिए, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत ही अच्छा है, और बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, बैटरीज को लेकर आना ही आना है, कोई सवाल ही नहीं है मतलब। और इवन हिमाद्री केमिकल जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए जो केमिकल की जरूरत पड़ती है उसमें लीडरशिप है इनकी बिल्कुल, और पहले कुछ कुछ थोड़े बहुत इश्यूज जो थे इस कंपनी को लेकर, प्रमोटर्स को लेकर, वो सारे सोल्व हो गए। तो अब अच्छी बात है कि नेगेटिव्स आपके लिए कुछ बचे नहीं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, और अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट और कम हो जाती है, जो कि होगी, क्योंकि आप देखिए खुद राजीव कुमार साहब ने, अब राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग में डाली है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर कोई इस तरह के बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग में डालना नहीं चाहता। मतलब लगभग सरकार में सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रीज सेम पेज पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, अलाइंड है। आप सोचिए नीति आयोग का काम यही नीति बनाने का, नीति बताने का, करेक्ट। अगर नीति आयोग और ये ट्वीट करके, एक्चुअली ये अननोटिस गया, ये 24 तारीख को दोपहर में आया था 3 बजे ट्वीट, 2:50 पर, तो उस समय के मार्केट के कोहराम नहीं था, सॉरी उस वक्त के मार्केट के इतने बढ़िया मूड में कौन ट्वीट पढ़े, कौन देखे। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी कि ये, और अगर ये कर दिया तो आप सोचिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी के लिए बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज से जुड़े हुए हैं, एक्साइड और दोनों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये बढ़िया हो सकते हैं, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए।